Mr. Jagdish has forwarded your number Yes, sir. and requested to talk to you. So, Sure. are you familiar with the crime-free Bharat, this concept and energy centers? Yes, sir. आपने उसके कुछ ऑडियो वीडियोस वगैरह कुछ देखे हैं? हाँ जी जी सर, देखा है देखा देखा है। ओके, तो जी। व्हाट इज योर जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट होल कॉन्सेप्ट? नहीं अच्छा है सर, तो उसमें हिंदुत्व का है, प्रचार प्रसार का अपना है। सर नहीं, इट इज लिटिल बिगर देन दैट। देखिए, इसमें जो है वो एक समस्या का समाधान की तरफ जो है ना वो किया गया है। और इसके जो स्टार्टिंग हम मानते हैं कि सही मायने में हम लोग ने ठीक ढंग से समझा नहीं है, हम लोग सही मायने में गुलाम ही हैं, स्वतंत्र हुए ही नहीं हैं। जी जी बिल्कुल सर, वो तो है। जी क्योंकि जो है ट्रांसफर ऑफ पावर एक एक्ट के तहत हुआ है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ, और ये ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश ने अपने चुने हुए व्यक्ति को किया, और उस समय किया जबकि भारत में पूरा भारत जो है युवा और स्पेशली नेवी आर्मी ये सभी जो है एकदम विद्रोह की स्थिति में थे। जी बिल्कुल जो आपका आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा था उससे जो है बगावत की स्थिति निर्मित थी। जो 24 पोर्ट थे उनमें से 22 पोर्ट में बगावत हो चुकी थी, और अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसमें एक एग्जिट प्लान बनाया हुआ था कि वो विषम परिस्थितियों में कैसे भागेंगे, और जी उन परिस्थितियों में हमने अंग्रेजों की हर बात मानी हाँ बिल्कुल सर, और भारत को दो भागों में भी बांट दिया। देखा बांट दिया जाए तो बिल्कुल भारत को दो भागों में बांटना भी अंग्रेजों की साजिश थी, क्योंकि सर, गिलगित में जो है उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, और बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा करके उन्हें उस पर डोमिनेंस का पावर मिलता जो एकीकृत भारत में उनके लिए संभव नहीं था। और फिर देखिए, हमारे नेहरू जी ने वही नियम कानून जो अंग्रेजों ने आपको गुलाम के बतौर आपके ऊपर शासन करने के लिए बनाए थे, आपको अपमानित और शोषित करने के लिए बनाए थे, वो सब यथावत अपना लिए। हाँ बिल्कुल और जिस ब्यूरोक्रेसी का हम और आप हिस्सा रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी भी एज इट इज अडॉप्ट कर ली, उसमें जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लाए हैं। आज भी सिस्टम में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं जी, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल और इसके बाद जो हुआ है वो भी सब कुछ घटित ही है। जैसे इन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट लाया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी को लाया, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी और फैमिली की कंपनियां बन गई हैं, हाँ बिल्कुल सर, होता है है ना? परिवार और से। जी हाँ, और शायद वो सोच का कहीं हिस्सा रहा है, क्योंकि वो जी अपने समय अपने आप को तो जो है पूरे समय मृत्यु पर्यंत तक प्रधानमंत्री बने रहे, उन्हें अपने बच्चों को भी प्रधानमंत्री बनाना था। संभवतः उन्होंने इसलिए उसमें कोई ऐसे क्लॉज नहीं डाले जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक होती, पॉलिटिकल पार्टी जो है राष्ट्रीय होती। अब आप ये देखिए, सोचिए एक मिनट के लिए कि जो सेशन के पहले चुनाव होते थे उनका थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर होगा, है? जी तो उस समय जो है एक गुंडों और रफियन की टीम जाती थी जो कि बूथ कैप्चरिंग का काम करती हाँ थी, बिल्कुल सर, खूब होता और दूसरे बड़े गुंडे जाते थे जो जहां के यहाँ पे उनको संदेह होता था कि उनके फेवर में वोट नहीं पड़ेंगे, उन लोगों को वोट डालने के लिए नहीं निकलने देते थे जी और बिल्कुल उनके फर्जी वोट डल जाते थे। तो हाँ बिल्कुल कहने के लिए शुरू से लेके अंत तक जो है एक साजिश का हिस्सा बना रहा, राइट? और एक के बाद एक देखा जाए तो पूरे 1100 साल से ना केवल अंग्रेजों के बल्कि उसके पहले से ही बिल्कुल हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना हुई, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया, हिंदुओं के ऊपर बर्बरता की गई, हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदुओं के महिलाओं को बलात्कार किया गया। तो जो कुछ हुआ वो हिंदुओं का हुआ। स्वतंत्रता के बाद यदि किसी धर्म को
ज्यादा जो है प्रश्रय मिलना चाहिए था, ज्यादा संरक्षण मिलना चाहिए था, तो वो हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म का जो साहित्य और ज्ञान जो लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में जला दिया था, उसे, क्योंकि उस समय ये यूनिवर्सिटी जो है ना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल ये ज्ञान बहुत ज्यादा जो है वो चाइना और बहुत सारे जो बाहर के स्टूडेंट उसमें पढ़ते थे उन देशों में वो ज्ञान पहुंचा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो ज्ञान भी हम वापस लेके आते, राइट। सर, और इन्होंने उसकी जगह उल्टा किया है, इन्होंने जो है ना तुष्टिकरण की नीति अपनाई। अब आप ये बताइए, मटेरियलिस्ट हाँ, अब देखो कीर्ति, ये समझने की बात है कि जो आपका आर्टिकल 25 है वो कहता है कि आपको राइट टू रिलीजन है, आप जो भी रिलीजन आप अपनी स्वेच्छा से, अपने कॉन्शियंस से जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल ये बताइए कि किसी रिलीजन में जिहाद और बर्बरता का स्कोप संविधान की यह धारा प्रोवाइड नहीं करती है। नहीं करते, बिल्कुल करती है क्या? नहीं करती है। नहीं तो करते देखा बिल्कुल जाए तो चाहे कोई भी धर्म हो, जो चीजें मॉरलिटी, हेल्थ और कॉन्शियंस और फ्रीडम को नहीं कहती हैं, ऐसी सभी चीजें बर्बरता वाली, उनको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द रिलीजन। और सर, संभवतः देखा जाए तो वो रिलीजन का हिस्सा रही भी नहीं होगी, राइट। मतलब बिल्कुल ये तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति इतनी गंदी घृणित बात कहने वाला भगवान का देवदूत तो नहीं हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल तो जो भी है, अपन, ये तो आस्था का सवाल है, वो आस्था बनाए रखें, लेकिन ऐसे प्रोविजन जो कि हमारे आर्टिकल 25, 26, 27 के खिलाफ हैं, उनको हर हालत में जो है हमें एड्रेस करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि पहले जो है गुंडे मवालियों की मदद ली जाती थी, धीरे धीरे गुंडे मवालियों को टिकट देना चालू हो गया, राइट। जो आपका 2019 का पार्लियामेंट है उसमें 42% क्रिमिनल्स हैं और 29% जघन अपराधों के अपराधी हैं, राइट। हाँ बिल्कुल अभी जो यूपी का चुनाव हुआ है इसमें अब ये संख्या बढ़ के 51% हो गई है। तो दो लोग तो इसमें जो जीते हैं वो जेल में थे, और हाँ फिफ्टी बिल्कुल वन परसेंट जो है विधायक आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। मतलब बिल्कुल अब विधानसभा में आधे अपराधी आपका कानून बनाएंगे, बिल्कुल सर, क्या हाँ वही विडंबना हो गया, है? विडंबना है कि नहीं है? बिल्कुल सर, 51% है, मतलब मैं तो मेजोरिटी में है वो, मेजोरिटी तो उन्हीं की हो गई है। तो फिर जी सर, अब आप जो है, आप आशा की क्षण वो गल आपके जो है बहुत कम रह गया है, जी सर, जबकि लगातार इसमें PIL लग रही हैं और ये बात बार बार कही जा रही है कि जिस राष्ट्र में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साक्षरत होना जरूरी है, वहां पर आप जो बिल्कुल है अनपढ़, गंवार और अपराधी कानून के निर्माता कैसे हो सकते हैं, राइट। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से जो बन पड़ा वो उन्होंने किया ही है। उन्होंने जैसे कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनसे एफिडेविट लीजिए, उनको कहा कि आप अपने वेबसाइट पर पब्लिश करिए, पोलिंग बूथ पर इनके आपराधिक रिकॉर्ड लगाइए, पार्टियों से कहा कि आप उन जिनको टिकट देते हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश करिए, जो किसी ने नहीं पब्लिश किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने चार पार्टियों के खिलाफ 5-5 लाख का और बाकी बचे हुए 11 पार्टी शायद के खिलाफ जो है ना 1-1 लाख का जो है सजा का वो दिया था, राइट। उन्होंने जो है ना फास्ट ट्रैक का भी वो किया था, तो कि 1581 शायद उस समय लेजिस्लेचर्स के खिलाफ मुकदमे पेंडिंग थे तो उन्हें फास्ट ट्रैक गठित करके उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए, लेकिन कितने डिस्पोज ऑफ हो गए हैं ये तो अभी तक मालूम पड़ नहीं रहा है, राइट। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये लोग चाहे एक दूसरे से लड़ा के करें, देखा जी जाए तो ये सभी राजनेता अपने बहुत छोटे स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। देखो कीर्ति, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो शासकीय कर्मचारी 35-40 साल अपनी
निष्ठा के साथ नौकरी करता है उसे तो पेंशन नहीं मिलेगी, और इन राजनेताओं को एक दिन भी यदि ये मेंबर रह जाएंगे तो इन्हें पेंशन का हक है, राइट। और लोगों को छह छह सात सात पेंशन भी मिल रही है। दोबारा होंगे तो दो पेंशन, तीन बार आएंगे तीन पेंशन। तो इस तरीके से देखा जाए तो मतलब ये राजनीतिक दुष्टता कहा जाएगा इसे। बिल्कुल सर। तो अब इन राजनीतिक दुष्टता से या आसुरी शक्ति से लड़ना मुश्किल काम है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ऊर्जा केंद्र का हमने डेवलप किया है और ये वैदिक ज्ञान पे आधारित है। जी जी बिल्कुल अच्छा है सर। तो वैदिक ज्ञान उसमें ये है कि जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ तो वैदिक समय में हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके ब्रह्मास्त्र से वस्त्र देवी देवताओं को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करके इन आसुरी शक्तियों को परास्त किया है, राइट। तो अब आज का जो है तपस्या क्या है कि हम अपने पब्लिक को ऊर्जाकृत करके उनकी संयुक्त ऊर्जा से इन आसुरी शक्ति इन दुष्ट राजनेताओं को हम परास्त करें। पहले तो इनको अन्य विनय और प्रार्थना करें, यदि ये मान जाते हैं तो इनको सिर पे बिठाएं, यदि ये नहीं मानते हैं तो इनको विवश किया जाए, और यदि ये अपने अहंकार में विवश भी नहीं होते हैं तो इन्हें जो है 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के पराजित किया जाए। और ये बहुत आसान है यदि हम संकल्पित भाव से काम करें। तो आपने ये ऊर्जा केंद्र का कॉन्सेप्ट समझा है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ गया। नहीं नहीं, पहले जो इसको डिटेल में क्या करना है कैसे करना है ये नहीं, अभी अभी आपसे बात हुई। अच्छा, उतना ही मालूम है तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ऊर्जा केंद्र का जो है कॉन्सेप्ट है कि अभी सभी लोगों में चारों तरफ का जो वातावरण है उसके कारण हताशा और निराशा है कि नहीं है? यस और नो? बिल्कुल यस सर, है ना। तो इस हताशा और निराशा के कारण वो अपने आप को बहुत कमजोर, नकारात्मक और बेबस महसूस कर रहा है। जी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल, है ना। तो यदि हम इनमें जो है वो एनर्जी का संपादन कर दें तो इनको आशा जगेगी कि आसुरी शक्तियों को पराजित किए जाने का कोई तो फॉर्मूला निकल के आया है, राइट। अभी तो ये लगता है कि आसुरी शक्तियां अजय हैं, इनका कुछ नहीं किया जा सकता है, नहीं? हाँ, अभी तो वैसे ही है, बिल्कुल। तो इस ऊर्जा के सिद्धांत में एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ये भरोसा होगा कि कुछ होने वाला है, राइट, और वो भी जल्दी होगा, 2024 तक होगा, ठीक है ना, नंबर एक। दूसरी बात है कि अपनी नकारात्मकता, अपनी नेगेटिविटी खत्म होगी, और जो चारों तरफ के आसुरी वातावरण के कारण जो निराशा की भावना है वो भी कम होगी, ठीक है ना, कम होगी। तो वो कम होने से आप सकारात्मक महसूस करेंगे, आपका फोकस और कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा होगा, और आप जो भी काम कर रहे होंगे वो काम और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये बात तो ठीक लग रही है ना? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कि इन आसुरी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ना है। तो अभी तक की जो प्रक्रिया क्या है कि हम चक्का जाम करते हैं, राइट, हम रेल रोकते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, दिल्ली जाते हैं, जंतर मंतर पे इकट्ठे होते हैं, और जब तक इन आसुरी शक्तियों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब तक वो उसे टॉलरेट करेंगे, और जब उनको प्रॉब्लम होगी तो अपने गुंडे मवालियों को भेज के वहां अशांति पैदा करके लठ बजाएंगे, और जरूरत पड़ी तो गोली भी चला देंगे, और आपके खिलाफ झूठे मुकदमे कर कायम करके आपको गिरफ्तार भी कर लेंगे, है कि नहीं? लेकिन इस ऊर्जा केंद्र की व्यवस्था में चूंकि ये सब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई चक्का जाम कर रहा है, ना कोई रेल रोको कर रहा है, ना कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, ना कोई जुलूस निकाल रहा है, ना कोई दिल्ली चलने के लिए कह रहा है, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रहा है, लिहाजा आसुरी शक्तियों से आप सीधे नहीं लड़ रहे हैं, राइट। और चूंकि आप सीधे नहीं लड़ रहे हैं तो उनकी आपको हानि पहुंचाने की कोई उनकी मतलब क्षमता नहीं है, राइट, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, राइट। बिल्कुल। तो
अब जो है आप अपन को करना क्या है और फिर वो कैसे फलीभूत होगा वो मैं समझाता हूँ आपको। तो करना बड़ा सिंपल है कि अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करना है, और ये जी ऊर्जा केंद्र चुंबक के सिद्धांत पे है। तो जैसे ही ओके चुंबक जो है के पास न, लोहा जैसे ही पहुंचता है, लोहे का हर पार्टिकल रीओरियंट होके चुंबकीय बन जाता है, बिल्कुल और वो जो चुंबक बना हुआ चुंबक है वो भी दूसरे लोहे को कन्वर्ट करके वो चुंबक में कन्वर्ट करता है, जो नया चुंबक बनता है वो तीसरे को कन्वर्ट करता है, और एक चुंबकीय ऊर्जा जो है एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, राइट। बिल्कुल 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 अब इसमें एक चीज ये भी समझना पड़ेगी कि हमारे प्रभाव क्षेत्र में लोहे की बजाय पत्थर भी हो सकते हैं, राइट, जो कि ऊर्जाकृत नहीं होंगे। बिल्कुल ये बात इसलिए बताने की कोशिश की जा रही है कि जब आपका एनकाउंटर ऐसे पत्थरों से हो तो आप निराश नहीं होना है। और ये जो जो लोग पत्थर हैं वो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण, लंबे समय के कारण वो पत्थर बन गए हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर तो जो पत्थर बन गए हैं वो धीरे से जब उन चारों तरफ से ऊर्जा का उनके ऊपर बॉम्बार्डिंग होगी तो वो महाऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट होंगे। तो जो लोहा है वो तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, जो ये पत्थर हैं जो जो कि लग रहा है कि इन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी तो ये महाऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, ठीक है ना। तो करना क्या है, मैं इसको सिलसिलेवार समझाता हूँ। नंबर 1, जी हमें कहना है कि हम क्राइम फ्री भारत CFB के अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करते हैं, राइट। इस ऊर्जा केंद्र में देखिए आप किसी से कुछ दे नहीं रहे हैं, आप अपना जो भी काम कर रहे हैं वही काम आपको करना है और अच्छे ढंग से करना है। उसमें आप ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन से कहेंगे करेंगे तो ज्यादा धन भी कमा पाएंगे, ठीक है ना। आपने अपने समय को थोड़ा संकल्पित किया और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से आपको उनमें ऊर्जाकृत करना है, तो जनरली हम ज्यादा बिजी रहते हैं तो हमारे पास अपने ही लोगों से बात करने के लिए समय नहीं होता है। नहीं देता जब किसी से कोई काम होता है तब हम औपचारिकता बांध के और फिर उससे बात करते हैं, राइट। और जब आप अपने लाभ के लिए कोई बात करते हैं तो आपका स्वर थोड़ा सा धीमा होता है, आप थोड़ा सा बिल्कुल नीचे होके बात करते हैं, राइट, क्योंकि आपको अपने काम की रिक्वेस्ट करना है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जब आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं किसी को तो आप उसको परोपकार कर रहे हैं, देखा जाए तो बिल्कुल वो आप जो है ज्यादा अपनी नजरों में सम्मानित महसूस करेंगे और समाज की नजरों में भी आप ज्यादा सम्मानित महसूस करेंगे, राइट। और यदि हम ये प्रक्रिया अब 3 भागों में इसको बांटना है, आजकल सभी जगह के बच्चे जो है विदेश में हैं, तो यदि अपने प्रभाव क्षेत्र का कोई व्यक्ति विदेश में है तो एक व्यक्ति को, विदेशी को जो कि NRI है उसको ऊर्जाकृत करना है, राइट। यदि अपने सर प्रभाव क्षेत्र में कोई भी NRI नहीं है तो उसको काट दीजिए, वो लिस्ट ही नहीं बनेगी, फिर 0 हो जाएगी वो, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरी लिस्ट है भारतीय प्रवासी। तो जैसे मान लो आप अहमदाबाद में रहते हैं, राइट, तो जी अहमदाबाद से जो दूर जगह हैं वहां पे जो आपके प्रभाव के केंद्र के लोग रह रहे हैं, प्रभाव क्षेत्र के लोग रह रहे हैं, आपके पुराने परिचित रह रहे हैं, तो उनको जो है सूची बना के दिन में एक व्यक्ति को ऊर्जाकृत करना है। ऊर्जाकृत तो ऊर्जाकृत में कैसा है कि जो ये वार्तालाप है, ऑडियो और वीडियो है जिसमें समझाया गया है, यही ऊर्जाकरण है, राइट। इसी बिल्कुल से जो है बेबसी खत्म होगी, इसी से जो है आदमी को जो है थोड़ा सा ढाढ़स बंधेगा, उसकी नकारात्मकता खत्म होगी, राइट। दूसरा उसको जो है कुछ समय संकल्प करना है, तो जो काम वो कर रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यदि कोई किसी पार्टी में राजनेता है तो वो काम करता रहे अपना, यदि कोई जो है सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है, तो इसमें कहीं कोई कंडक्ट वंडक्ट रूल बाधक नहीं है, क्योंकि आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जो कंडक्ट रूल के खिलाफ हो, राइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो जो सेवा में लोग हैं उनके लिए भी कोई बाधा नहीं है, राइट। तो जो सेवा में रिटायर हो गए वो तो कर ही सकते हैं, जो सेवा में है वो भी कर सकते हैं, जो दुकान चला रहा है वो भी कर सकता है, जो व्यवसाय में है वो भी कर सकता है, जो किसान है हाँ बिल्कुल वो भी जुड़ सकता है,
इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ सकता है, वकील जुड़ सकता है, मतलब सभी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को अपन जो है ना, पहला हो गया एनआरआई, दूसरा हो गया है रेजिडेंट इंडियंस, और तीसरा है जो जहां आप हैं, जो आपका प्रभाव क्षेत्र है। जैसे मान लो अज्यूम करिए कि आप साधारण केस में अहमदाबाद, सूरत और जहां जहां जो है आप जाते रहते हैं, तो वो आपका स्थानीय प्रभाव क्षेत्र कहलाया। तो जो भी आपने समय संकल्पित किया, आपने कहा कि हम 2 घंटे लगाएंगे प्रतिदिन, 1 घंटे लगाएंगे, तो संकल्पित में आपने 2 काम करने के बाद जो बचा हुआ समय है 30-40-50 मिनट जो भी है, उसमें अपने प्रभाव क्षेत्र में ही एक जगह मिलने का प्रोग्राम बना लिया और फेस टू फेस बिठा के उसको जो ना ऑडियो वीडियो सुना के आपस में बातचीत करके ऊर्जाकृत करके हमें संकल्पित करना है। तो संकल्प में क्या काम करना है? 2 काम करना है। अपने को क्राइम फ्री भारत CFB का ऊर्जा केंद्र घोषित करना है और अपन को कुछ समय संकल्पित करना है, और समय संकल्पित में ये 3 ही कार्रवाई करना है। यदि NRI प्रभाव क्षेत्र के हैं तो 1 NRI को उर्जित करना है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि जो रेजिडेंट इंडियंस हैं तो जो दूर वाले रेजिडेंट इंडियन हैं उनको पहले जो है आपको ऊर्जाकृत करना है, और तीसरा अपने स्थानीय क्षेत्र में फेस टू फेस जो है लोगों से संवाद करना है, उनको ऊर्जाकृत करना है, उनको संकल्पित करना है। और जब आप संकल्पित कर रहे हैं तो उसका छोटा सा वीडियो भी बना लिया जाए और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए, या व्हाट्सएप आजकल मेरा तो गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, तो अच्छा। टेलीग्राम ऐप को कर लिया जाए और उसमें जो है लोगों को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना? या व्हाट्सएप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक आप जैसे आपका है तो आप कीर्ति पटेल हैं, राइट? तो आपने उसका नाम रख दिया CFB ऊर्जा समूह कीर्ति पटेल, या ऊर्जा समूह नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एनर्जी सेंटर लिख लीजिए, तो CFB एनर्जी सेंटर EC और ब्रैकेट में कीर्ति पटेल KP हो गया, राइट? अब आप जितने लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे उनके जो है ना उनको जोड़ते जाएंगे उस ग्रुप में, राइट? और जो आप संकल्प कराएंगे उसके जो छोटे मोटे वीडियो बनाएंगे उनको भी आप उसमें अपलोड कर देंगे, राइट? आप उसको मुझे भी उसमें डाल के एडमिन बना दीजिए, तो हम किसी टेक्निकल आदमी को डाल देंगे, तो वो आपके वीडियो को जो अच्छे होंगे उनको क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल पर अपलोड भी कर देगा, ठीक है ना? और क्योंकि ये सब जो वीडियोज हैं ये सब YouTube पे जो है अपलोड हो रहे हैं, तो YouTube क्राइम फ्री भारत का को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? जिससे आप जो है वीडियोज ऑडियोज को मिस ना करें, क्योंकि हर ऑडियो वीडियो में कोई ना कोई एनर्जी देने की कोशिश की जा रही है, तो वो एनर्जी मिस नहीं करना है, ठीक है ना? अच्छा, अब जो है यदि जो है ना बहुत जल्दी हम क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि हमारी YouTube पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, ठीक है ना? हो जाए। हाँ, तो जब क्राइम फ्री भारत मेंबरशिप ऐप लॉन्च हो जाए तो उसके थ्रू उसके मेंबर बन जाया जाए, उससे क्या है कि आप अपने वीडियोस को अपलोड भी कर पाएंगे, जो वीडियो दूसरे होंगे वो भी वहां दिखाई देंगे तो उनको देखा जा सकेगा, और बहुत सारा जो है ना आदान प्रदान हो पाएगा, आगे चल के ये क्राइम फ्री भारत के दूसरे कामों के लिए भी यूज होगा। तो अभी एक आचल जी ने आपको 2-3 दिन पहले आग्रह किया कि साहब जो है 2024 तक जो हम करेंगे, लेकिन यदि ऊर्जा केंद्र हमारे बन ही जाते हैं तो जिन ऊर्जा भाइयों को यदि कोई तंग करता है गलत ढंग से, तो यदि वहां पर ऊर्जा केंद्र के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो जो गड़बड़ी करने और जो नियम विरुद्ध जो परेशान करने वाली कार्रवाई है वो नहीं कर पाएंगे, राइट? बिल्कुल। तो जो ऐप में जो है वो GPS लोकेशन के आधार पर आगे चल के वो मदद भी बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे, और वो अभी अपन 2-3 महीने में ही वो मदद को जमीन पे उतार देंगे, ठीक है ना? तो एक फायदा ये हो गया कि कोई आपको इस दौरान भी गलत ढंग से नहीं दबा पाएगा। तो ये अब आप जो अभी आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं यही तपस्या है, राइट? अब अज्यूम करिए कि आपने एक दिन में 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, उन 10 ने 10 को किया तो 100 हो गए, 100 ने 10 को किया तो 1000 हो गए, 1000 ने 10 को किया तो 10,000 हो गए, 10,000 ने 10 को किया
एक लाख हो गए, हो जाए। हाँ, और 1 लाख में जो 10 को किया तो 10 लाख हो गए, और 10 लाख में 10 को किया तो 1 करोड़ हो गए, और जी जी 1 करोड़ में 10 को किया तो 10 करोड़ हो गए, और 10 करोड़ में 10 को किया तो 100 करोड़ हो गए। तो ऐसे 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं। तो हम तो 9 दिन भी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2-3 दिन महीने में हम लोग जो है 100 करोड़ तक पहुंचे हैं। और जैसे ही हम उस पर पहुंचे तो फिर ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम जो है इन राजनेताओं को बेबस करने की कोशिश करें, राइट। तो इसमें 3 सिद्धांत हैं। एक तो शंखनाद है, तो चूंकि शंख तो हर किसी के पास होगा नहीं, तो थाली को ही हम शंख मानेंगे, तो थाली रूपी शंखनाद करेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है ये दुष्टों की जो है ना इन चालों के कारण जो अंधेरा पैदा हो गया है, दीपक जला के उस अंधेरे को दूर करेंगे, ठीक है ना। और तीसरा जो है जो क्राइम फ्री भारत का विजन स्टेटमेंट है, जिसकी वो खुद टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहा है, जिसके लिए नियम और कानून के प्रारूप भी खुद बना रहा है, वो जो है उनको 100 करोड़ लोग सीधे जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने ही छज्जे पे, अपने ही चबूतरे पे, अपने ही दरवाजे पे, अपने ही छत से उसको जो है चलाएंगे। तो हर दिन उस जिस दिन भी अपन उसका डेट और टाइम तय करेंगे, उस दिन जो है शंखनाद भी महाशंखनाद में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो दीपावली बन जाएगी, राइट। और ये दुष्ट राजनेताओं को भी यदि वो अंधे हैं तो दिखाई देने लग जाएगा, और बहरे हैं तो सुनाई देने लग जाएगा, राइट। और इस बात की संभावना रहेगी कि हम उन्हें बेबस कर पाए, राइट। तो बेबस किस चीज के लिए करना है? पहला मानना है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, क्योंकि ये पार्टियों ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। दूसरा, अपराधी विहीन राजनीति चाहिए। तीसरा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था चाहिए। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो जारी किए हैं कि ये कैसे संभव होगा, राइट। तो वो वीडियो चलाएंगे तो इनको अपन ये कह पाएंगे कि इस तरीके से खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था संभव है, जिसमें ना पोलिंग बूथ होंगे, ना आपको एजेंट लगाना होंगे, और खर्च करना अपने आप में एक अपराध होगा, राइट। 1-to-1 कैनवासिंग एक अपराध होगा। तो आप जो है ना फ्री भी बांट पाएंगे, ना दारू बांट पाएंगे, ना पैसे बांट पाएंगे, क्योंकि जब 1-to-1 प्रचार ही अपने आप में जो है अपराध होगा, तो ये सब चीजों के लिए मौका ही खराब। लोग लालच में करेक्ट। और जो लोग जो है अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनकी आईडी जो है ऐप के माध्यम से सब जगह अटैच हो जाएगी, तो वो उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उसे 10% ज्यादा फीस लगेगी। यदि वो बस में ट्रेवल करेगा तो 10% किराया ज्यादा लगेगा। यदि रेल में ट्रेवल करेगा तो 10% रेल किराया ज्यादा लगेगा। तो उसे हर दिन ये याद दिलाया जाएगा कि उसने एक बड़ी संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है, ठीक है ना। तो यदि एक बार जिसके साथ ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है कि उसे रात में बुरे बुरे सपने आएंगे, और अगले चुनाव में वो 24 घंटे के अंदर ही अपना वोट दे देगा। देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमने 100% वोटिंग भी पा ली। फिर जो है, वैसे तो अपराध मुक्त भारत है, लेकिन साइबर क्राइम मुक्त भारत पहले चाहिए। इसके बारे में भी हमने एक विस्तृत वीडियो जारी किया है, तो उसे आप चैनल पे सब्सक्राइब करके खोजेंगे तो साइबर क्राइम मुक्त भारत कैसे संभव होगा, ये हमने वीडियो जारी किया हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसके बाद हम कह रहे हैं कि पेपर करेंसी मुक्त भारत चाहिए। तो साइबर क्राइम मुक्त इसलिए तैयार कर रहे हैं जिससे कि लोगों को डर ना रहे डिजिटल करेंसी के बारे में, राइट। तो जैसे ही आप पेपर करेंसी मुक्त भारत कर देंगे तो आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ना कालाबाजारी होगी, ना करप्शन होगा, ना जो है ड्रग माफियों को पैसा जा पाएगा, ना नक्सल को पैसा जाएगा, ना टेररिस्ट को पैसा जाएगा, ना जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि देश को विभाजन करने में लगे हुए हैं बदोसों के पैसे से, ना उनका पैसा पहुंचेगा। तो ये तमाम प्रॉब्लम जो है काफी कुछ ड्राई हो जाएंगे, और जब करप्शन खत्म हो जाएगा तो हमारा डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। और नेक्स्ट स्टेज है कि जैसे ही हमने पेपर करेंसी से मुक्त किया,
वैसे ही हम टैक्स फ्री भारत लेके आएंगे। तो आज लोग टैक्स से की मार से मरे जा रहे हैं, राइट। होटल में जाते हैं तो जितना खाना खाते हैं उतना ही टैक्स उसमें लग जाता है, तो आदमी को समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। पहले जब ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, लोग एक एक तनख्वाह में पूरे कुनबे को पाल लेते थे। आज मियां बीवी बिल्कुल दोनों में दोनों नौकरी कर रहे हैं तो भी अपने दो बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, नहीं पा सकते, है ना। ये बात, ये ग्राउंड में हकीकत है कि नहीं है। बिल्कुल है सर जी। तो जैसे ही हम जो है टैक्स फ्री भारत कर देंगे और केवल 2% ट्रांजेक्शन फीस होगी, तो ये कालाबाजारी और ये सब फालतू की चीजें खत्म हो जाएंगी, पब्लिक को राहत मिलेगी, लोगों को जबरदस्ती चोर कहने का किसी को मौका नहीं रहेगा, और सरकार को डेवलपमेंट के लिए आज जो रेवेन्यू मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ये मैथिली शरण गुप्त की प्रॉमिस है। और 4 से 10 गुना रेवेन्यू तो हम क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से ही दे देंगे। तो जी दस बिल्कुल दस गुना जो है आपको अपने टैक्स फ्री भारत से मिल गया, और 10% 10 गुना आपको क्राइम फ्री भारत से मिल गया, तो 20 गुना आपको मिल गया। और भ्रष्टाचार नहीं होगा तो वो 20 गुना 50 गुने के बराबर होगा। तो बिल्कुल आज के समय से 50 गुना ज्यादा धन अवेलेबल होगा डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। तो कोई भी बदमाशी मक्कारी नहीं कर पाएगा, राइट। बिल्कुल इसके बाद हमें जो है इंटीग्रेटेड जहर मुक्त कृषि भी चाहिए। हमें अपने लाइफ स्टाइल से केमिकल को हटा देना है। तो जो आज हमारा सीवेज एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, वो एक बहुत बड़ा मैनवर का सोर्स और बायो एनर्जी, बायो सीएनजी का सोर्स बन जाएगा, एक बहुत बड़ा जो है वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो हम संकनाथ के जरिए से इनसे कराएंगे, और यदि विवश होके ये कर देते हैं तो इन्हें सिर पे भी बिठाएंगे और 303 की जगह उनको पूरा 545 सीटें देंगे, राइट। बिल्कुल और यदि वो विवश नहीं होते हैं, क्योंकि जो शक्ति हासिल किया होता है वो अपने अहंकार में विवश नहीं होता है। जी बात मानते कि नहीं मानते आप? हाँ सही बात है बिल्कुल। क्योंकि वो अपने अहम में रहता है तो फिर उसको कुछ दिखता नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्राइम फ्री भारत फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा 2024 में, राइट। और ये जो ऊर्जा केंद्र हैं, इस दौरान इनसे महा ऊर्जा केंद्रों की जानकारी, महाकर्म योगियों की जानकारी ली जाएगी, उनसे अनुनय विनय और प्रार्थना करके उन्हें महा ऊर्जा केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर 545 महा ऊर्जा केंद्रों को अपना उम्मीदवार बना के ग्राउंड में उतारा जाएगा, और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना प्रचार के उन्हें जिताया जाएगा, और हम इन दुष्ट राजनेताओं को इन्हीं के गेम में जो है ना परास्त दे पाएंगे, और उनको जो है बहुत सारों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी 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 तो कीर्ति पटेल जी, आपको ये बात कुछ कुछ ठीक लग रही है? नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया है, एकदम अच्छा प्लान है सर, एकदम आपका, है ना। तो अब इसमें पैच केवल यही है कि देखिए आपका सब फायदे ही फायदे हैं, राइट। आप आसुरी शक्तियों से सीधे भी नहीं लड़ रहे हैं, आसुरी शक्तियों को आप पराजित करने की भी आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। केवल इसमें एक ही पैच है कि हमें संकल्पित होना है और जैसा बताया गया है वैसे करना है। तो क्या मैं ये मानूं कि आप ऊर्जाकृत हो गए हैं? जी बिल्कुल सर। तो आप कितने समय का संकल्प ले रहे हैं सर? आप कितने समय का संकल्प ले रहे हैं, मतलब 24 घंटे में आप 1 घंटा देंगे, 2 घंटे देंगे, आधा घंटे देंगे, कितना देंगे? 24 घंटे में? हाँ 1 घंटा। 1 घंटा, तो आप 1 घंटे के लिए संकल्पित होके आप ऊर्जाकृत हुए हैं। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब क्राइम फ्री भारत का ऐप जारी हो जाएगा तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हमारी यूट्यूब पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, राइट। और फिर जो है आपको जैसा 3 श्रेणी बताई गई है, पहली एनआरआई है तो एक एनआरआई को कांटेक्ट करना है, यदि हाँ, कोई यदि कोई एनआरआई नहीं है तो कोई वो सूची आपकी खत्म हो गई। ऐसे ही आपको दूरस्थ स्थित रेजिडेंट इंडियन को कांटेक्ट करना है, एक को वो जागृत करिए, और जहां आपका
प्रभाव क्षेत्र जहाँ घूमते हैं, हाँ वहां पर जो है एक जगह पे मुकल्लफ जगह पे या तो उनको बुला लीजिए, आप पहुंच जाइए और उनको ये ऊर्जा का वो करिए और उनको संकल्पित करिए। यदि हम ये कार्रवाई नियमित ढंग से करेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे और उसमें जो जो लोग संकल्पित होते जाएंगे उनको जोड़ देंगे, और जो संकल्पित हो जाएगा वो अपना पृथक से भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा और फिर वो यही कार्रवाई उसे करना है, राइट। तो 9 दिन में हम 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ अपन मान रहे हैं कि हम महीनों में 100 करोड़ तक पहुंच जाएं, और जैसे ही पहुंचेंगे हम लोग जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत के जो वीडियोज हैं उनको चलाकर हम सरकार से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुनय करेंगे, और यदि वो नहीं माने तो उन्हें विवश करेंगे, और यदि वो नहीं माने तो उन्हें परास्त करेंगे। तो ये पूरी रणनीति है। इसमें आपको कोई प्रश्न या लोचा समझ में आ रहा है क्या? नहीं, बढ़िया है सर, मैं समझ गया। तो आप जो है एकदम जोर से लग जाइए, जिससे कि अब जो है ना विलंब ना हो। आज आप संकल्पित हो गए तो कल से ही लग जाइए, ठीक है ना? आपको और कोई प्रश्न पूछना हो या और कोई बात हो आपके दिल में तो पूछ लीजिए आप। नहीं, बिल्कुल सब क्लियर हो गया। चलिए चलिए, तो जगदीश जी ने आग्रह किया था कि उनको भी इसकी रिकॉर्डिंग को भेजें, तो उनको हम भेज देंगे, और ये जो है क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होगी, तो उसको आप वहां से जो है अपने बाकी साथियों को भी भेज सकेंगे, और जो हमने आपको ऊर्जाकृत किया है उसको और ढेर सारे और वीडियोज हैं उनको सुना के उनको ऊर्जाकृत करना है, राइट। तो बस यही कार्रवाई है, और 2024 तक हमें वो परिवर्तन ला देना है, और जैसे ही हमारी इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है और ऐप के माध्यम से हम अपने ऊर्जा केंद्रों को कहीं पे इकट्ठा कर पाएंगे, तो लोगों के साथ यदि कुछ भी गड़बड़ हो रही होगी तो ये ऊर्जा केंद्र इकट्ठा होके उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, और जब ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित होंगे तो दुष्टों की, गड़बड़ी करने की, बदमाशी करने की, मक्कारी करने की हिम्मत नहीं होगी। एक चीज अपन को जरूर ध्यान रखना है कि कोई गलत काम करके ऊर्जा केंद्र का फायदा नहीं ले पाना चाहिए। बिल्कुल, वो तो नहीं होना। हाँ, तो क्योंकि वो दुष्टों को किस मदद के लिए नहीं है, ये सज्जनों और अच्छे लोगों के लिए है, अपराधियों के लिए नहीं है। बिल्कुल, है कि नहीं? तो चलिए कीर्ति पटेल जी, अच्छी बात हुई आपसे। जी सर, जी बिल्कुल, और आपसे जो है आप ऊर्जाकृत होके बढ़ जाइए, हम जरूर सफल होंगे। जी बिल्कुल सर, राइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है क्या? व्हाट्सएप नंबर? हाँ जी सर, हाँ व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, तो इसमें आप हेलो करके जरा मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको जो है वो ऊर्जा समूह ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। ठीक सर, राइट, ओके। जय हिंद, जय भारत। Good night. Good night.